ये रेलवे स्टेशन, लेकिन हमारे सपनों का रेलवे स्टेशन नहीं है। लगता है हम लोग के नसीब में रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन की सुविधा नहीं होगी। चलिए ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रयास करें कि हमारे जसपुर में रेलवे लाइन आ जाए। हेलो जसपुर, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभी लोहरदगा रेलवे स्टेशन पहुंचा हूं। देखिए लोहरदगा लिखा हुआ है और ये रेलवे स्टेशन है और हमारे दो यंगेस्ट यहां पास हैं। आपका नाम क्या है? मेरा सोनू महली। सोनू महली, अच्छा। और आपका नाम? मेरा नाम है सरवन महली। महली, चलिए हमारे भी जसपुर में महली परिवार है। ठीक, हाँ। एक चीज़ बताइए, आप लोहरदगे के रहने वाले हैं ना? हाँ, हम लोग लोहरदगे के रहने वाले हैं। अच्छा, ये रेलवे स्टेशन है ये वाला? हाँ। तो हमारे छत्तीसगढ़ जो वहाँ पड़ता है कोरबा, फिर हमारा जसपुर और ये लोहरदगा का जो है ना रेलवे लाइन, इसका वहाँ सर्वे चल रहा है हम लोग का कि लोहरदगा तक जो है कोरबा जसपुर लोहरदगा तक रेलवे लाइन खुलने वाला है। तो आपके यहाँ कभी सर्वे हुआ है क्या? सर्वे तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ सर्वे? नहीं हुआ। अभी तक ऐसा लगा, लोगों के मुंह में सुनाई हुआ कि कोरबा से अंबिकापुर तक, कोरबा से आपका लोहरदगा तक रेलवे लाइन बिछने वाला है, ऐसा कहीं हल्ला हुआ यहाँ? हुआ तो नहीं है अभी तक। सुने नहीं, नहीं सुने है ना? नहीं। अच्छा, मतलब ऐसा सुनाई आया भी नहीं है? नहीं। और सर्वे वाले कोई आए भी नहीं है? नहीं आया। न्यूज पेपर वगैरह में या कहीं अखबार में या टीवी में सुनाई दिया आप लोग को कभी? नहीं। या मोबाइल में, व्हाट्सएप में? नहीं, नहीं सुनाई दिया। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये राजनीति स्टंट है और कुछ नहीं है। सोचिए आप, उधर चल रहा है लेकिन जसपुर में अगर अभी सर्वे चल रहा है मान लीजिए, तो अगर जसपुर तक रेलवे लाइन तो बनेगा नहीं, इतना करोड़ों अरबों रुपये का खर्च है और वहाँ इन्वेस्ट करेंगे नहीं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि 20-25 साल से चल रहा है सर्वे और ये सर्वे तक ही रहेगा, हमारे नसीब में, हमारे जसपुर वालों के नसीब में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, तो थैंक यू, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, मैं अभी लोहरदगा रेलवे स्टेशन में हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा इधर लिखा हुआ है और ये बहुत सारे यात्री हैं अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे सामने नौजवान साथी सूरज महली जी, इनके फ्रेंड है। मैं जानना चाह रहा हूँ, चूँकि हमारे जसपुर में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्या वास्तव में रेलवे लाइन हमारा खुलेगा, जल्दी चलेगा, चालू होगा? और क्या जसपुर में अगर सर्वे हो रहा तो हमारे झारखंड लोहरदगा में हो रहा है क्या, मेन जहाँ रेलवे स्टेशन है, तो हम जानना चाहेंगे। सूरज जी, ये बताइए, हमारे छत्तीसगढ़ में ना कोरबा जसपुर और लोहरदगा रेलवे लाइन खुलने वाला है, ऐसा सर्वे चल रहा है बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ ना 20-25 साल से चल रहा है। आप चूँकि यहीं के हैं, लोकल हैं, तो मैं जानना चाहूँगा, नौजवान भी है, पेपर वगैरह न्यूज़ भी पढ़ते हैं, हमारे लोहरदगा में अभी तक वो रेलवे लाइन का कहीं सर्वे वगैरह हुआ है क्या, जानकारी है आपको? इतना जानकारी नहीं, लेकिन जसपुर तरफ के न्यूज़ में देखे हूँ, रेलवे लाइन बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, तो हर इच्छा हम लोग का है, बहुत दूर पड़ता है। तो कोई न्यूज़ में, चैनल में अभी तक लोहरदगा में आप कोई सर्वे हुआ है ऐसा पढ़े क्या, देखे? नहीं, नहीं देखे, सर्वे हुआ या यहाँ? हाँ नहीं, लोहरदगा, अभी तो हम लोहरदगा में इसलिए हैं, लोहरदगा में देखे क्या? नहीं, लोहरदगा में नहीं देखे। नहीं देखे, रेलवे लाइन बनना चाहिए, क्या है कि यहाँ जसपुर से रेलवे लाइन बनेगा ना? हाँ, गुमला इन सबको भी सुविधा होगा। हाँ, सुविधा होगा, हम लोग को भी सुविधा होगा, काफ़ी दूर हमारे जसपुर में तो है भी नहीं, बहुत ज़्यादा। हाँ, नहीं नहीं, बहुत लंबा पड़ता है। तो चलिए ठीक है, सूरज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। ये पूरा मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, यूट्यूब बनाने के लिए कहाँ कहाँ आना पड़ता है। थैंक यू यार सूरज, थैंक यू। तो लीजिए, मैं अभी पहुँचा हूँ गुमला और ये बिरसा मुंडा पार्क आप देख रहे हैं, वहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ में आपका नाम भैया? मेरा नाम दीपू कुमार ठाकुर। और आपका? हाँ, गुमला जिला राष्ट्रीय न्याय महासभा का अध्यक्ष हूँ, साथ में पूर्व वार्ड पार्षद भी रहा हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम दीपू प्रकाश गुप्ता। जी, यही लोकल हैं? क्या नाम बता भैया? दीपू कुमार ठाकुर। दीपू भैया, हमारे अभी जसपुर में खास कर कहिए, कोरबा जसपुर और गुमला होते हुए लोहरदगा का जो रेलवे लाइन है वो उसका सर्वे हो रहा है। क्योंकि एक एडवोकेट हम भी हैं पेशे से, विगत कई साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं रेलवे के लिए कि लाइन ये आ जाए तो सबके हित में रहेगा, लेकिन ये 22-23 साल से लगातार सर्वे हो रहा है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे जसपुर में जैसे सर्वे हो रहा है, क्या आपके यहाँ गुमला में आपने कभी अभी वर्तमान में सुना कि आपके यहाँ भी सर्वे हो रहा है रेलवे लाइन के लिए, ऐसे जानकारी आपने कहीं जाना क्या या कहीं से आपको प्राप्त हुआ क्या? जी, एक डेढ़ साल के पहले तो हमें सुनाई दिया था कि रेलवे का
लोहरदगा भाया गुमला होती हुई कोरबा लाइन का नापी हुआ है जी। लेकिन वर्तमान में इधर 6 महीना का ऐसी सुनाई नहीं दे रही है और ये विगत रेलवे लाइन को लेकर चाहे वो यूपीए सरकार थी चाहे आज की एनडीए सरकार है ये पब्लिक को छलने का काम किया जा रहा है रेलवे के नाम से यहाँ की भोली भाली जनता जी जी। और हमको नहीं लगता है कि अभी इस तरह का कोई बात यहाँ पर है गुमला भी जिला में इस तरह का कोई बात है ना ही लोहरदगा जिला में जी। अब क्या कि ऐसा लगा आप बहुत अच्छा एक बात बोले और ये हो सकता है कि अभी चुनाव है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तो शायद उसके लिए तो कुल मिला के मुझे लगता है कि एक शब्द बहुत अच्छा लगा आपका भैया कि छलने का काम ये बीच बीच में आते हैं और हमारे सीधे साधे भोले भाले लोगों को ठगते हैं और चले जाते हैं। इस लगता है हम लोग का पता नहीं अब जनरेशन देख पाएगा नहीं देख पाएगा। बड़ा अफसोस लगता है कभी कभी कि बार बार इतना सब कुछ होने के बाद में भी मात्र सर्वे सर्वे हम लोग सुनते हैं। तो चलिए आप बहुत अच्छा जानकारी दिए। अच्छा लाइन अगर बन जाता है कोरबा टू लोहरदगा तो हित में रहेगा कि हित में रहेगा? रेलवे लाइन कभी भी बनता है तो लोगों के हित में ही रहता है जी, क्योंकि उससे रोजगार आती है और सामान जो गुड्स होता है वो सस्ता होता है जी। ट्रक से माल ढुलाई महंगा पड़ता है क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है। आप सबको पता है कि अभी 100 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल हो गया है तो उसके अपेक्षा में रेलवे का अगर लाइन आ जाता है रेलवे आ जाती है तो माल ढुलाई के वजह से यहाँ पर सब्जी हुआ फल हुआ ये सब चीज़ सस्ती है जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया पुनः। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube चैनल में जो नए हैं मैं आग्रह करूँगा कि सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जो आल है उसका घंटी को जरूर दबाएं और भी खूबसूरत जो है वीडियो उसको आपको देखने को मिलेगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।